आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे कि देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस, यानी रफली $10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट 7 ईयर्स की जर्नी देखें, छोटी सी संख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा कि हम आत्मनिर्भर होएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में एक बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। तब हमारे विपक्षी साथियों ने कई तरह की बातें की, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस संकल्प पे अडिग तौर पे चलते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, और 7 साल में आज हम $75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 6 साल में ये संख्या $300 बिलियन यानी रफली 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंचेगी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, अगर हम देखें, फाइनल असेंबली से पहले पूरी वैल्यू चेन में 4 महत्वपूर्ण पीसेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा है बाकी सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, तीसरा उसके जितने भी सबस्ट्रेट लेयर्स हो गए, ऊपर की पैकेजिंग हो गई, वो सब हो गए, और चौथा हुआ उसके साथ का पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज्म। इस चारों के चारों एलिमेंट्स पे पिछले 7 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस था सेमीकंडक्टर चिप्स का, उसका अनुमोदन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कैबिनेट में। मैं आपको बहुत ही सरल एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। यह है एक वेफर, यह एक स्ट्रैटेजिक वेफर है। स्ट्रैटेजिक एज इन, जिस देश ने आज वेफर बनाना नहीं सीखा वो देश आने वाले दिनों में पीछे रह जाएगा। जिस इकोनॉमी ने सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल, उस पर गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके डिजाइन पे, टैलेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग आगे बढ़ रही है, इस फील्ड में आगे आना एकदम जरूरी था। अब इस चिप पे ये जो वेफर है, इसके ऊपर नैनोमीटर यानी मिलीमीटर का हजारवां हिस्सा, यानी अगर हम हेयर की डायमीटर देखें उसका भी 1000th या उससे भी ज़्यादा 10,000वां हिस्सा पे इस पे इचिंग होती है, इस पे प्रिंटिंग होती है। उस प्रिंटिंग होने के बाद में बिल्कुल छोटी छोटी चिप्स निकलती है इस तरह की, देखो शायद आपके कैमरा में आए ना आए, इस तरह की छोटी चिप्स निकलती है। उन चिप्स को फिर पैकेज किया जाता है, ये पैकेज किया गया, ये बनी चिप जो कि जाके फाइनली प्रोडक्ट में लगेगी, मोबाइल में लगेगी, कैमरा में लगेगी, जेट में लगेगी, रेलवे के इंजन में लगेगी, और आज तो इवन पंखे में और लाइट में और करीब करीब हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लगती है। फिर ये इस तरह का पूरा सर्किट बनता है, और ये सर्किट फिर आगे प्रोडक्ट के अंदर जाके, ये जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उस प्रोडक्ट के अंदर फाइनली ये जाता है कंप्लीट पीसीबी। इस पूरी वैल्यू चेन के लिए सबसे पहले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब जो कि ये वाली चिप बनाए, दूसरी डिस्प्ले फैब जो कि ये आगे सामने जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले को बनाए, टीवी में डिस्प्ले हो,
कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, लैपटॉप का डिस्प्ले हो, हर तरह का डिस्प्ले। तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि कार के अंदर लगेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लगेंगे, रेलवे के इंजन के अंदर लगते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, टेलीकॉम के टावर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है उसमें लगते हैं, आपका ये जो कैमरा है सामने उस कैमरा के अंदर भी वही लगता है, तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। चौथा सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग, ये वाली जैसे कहा छोटी सी इस चिप से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस पैकेजिंग का। और इस छोटी सी चिप से पैकेजिंग में कन्वर्ट करने का, उससे पहले वेफर, मैं तीनों को एक साथ रखता हूं, वेफर, चिप और उसके अंदर पैकेज होने के बाद में ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया है। अब ये तो हो गई वस्तुएं, असली चीज क्या है? ब्रेन। ब्रेन किसका लगेगा? मित्रों, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे भारत के इंजीनियर्स ने झंडा गाड़ा हुआ है। करीब करीब 20% इंजीनियर्स भारत के हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब इस संख्या को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आज निर्णय लिया गया है 85,000 हाई क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S। 85,000 बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम में। और देश में पूरा का पूरा इकोसिस्टम हाई क्वालिटी जॉब्स के साथ वेल ट्रेन्ड एक टैलेंट पूल तैयार हो, ऐसी 20 साल तक की कल्पना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। अगले आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, कम से कम 20 यूनिट हम लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर। और अब आप देखिए इस चिप के अंदर जो जाता है ब्रेन, जब लगता है वो ब्रेन डिजाइनर का ब्रेन होता है। दुनिया के बेस्ट ऑफ द डिजाइनर्स सेमीकंडक्टर फील्ड में भारत में, ऐसे डिजाइनर्स को अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का मौका मिले और जो इनोवेटिव डिजाइन्स बनाने का सोचें उनको एक चांस मिले, वो भी इसी इकोसिस्टम में परिकल्पना की गई है। कैसे? डिजाइन हाउसेस के लिए एक बिल्कुल इनोवेटिव, एकदम नूतन स्कीम बनाई है, DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। DLI में क्या होगा भाई? डिजाइन के लिए खर्चे किस चीज के होते हैं? डिजाइन के लिए खर्चा होता है सबसे पहला सॉफ्टवेयर टूल्स, दूसरा कंप्यूटिंग पावर, तीसरा जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल्स आपने चिप ली उसके ऊपर डिजाइन किया वो वेस्ट हो गई, 50 बनाई 50 में से एक ठीक होगी, तीसरा उसका डिजाइन का वैलिडेशन टेस्टिंग, चौथा IPR, अगर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें रजिस्टर करना है तो उसकी कॉस्ट, पैटेंट के रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट, छठा फिर उसका एक्चुअल फैब्रिकेशन। तो ये जितनी भी खर्चे होते हैं उस खर्चों का 50% ऑफ द एंटायर डिजाइन एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम DLI। और उसके बाद में जब प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को लेके आपने डिप्लॉय किया किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ, टाइप किया आपने डिजाइन, आपका डिजाइन प्रोडक्ट उसमें लगा मोबाइल में, तो जब डिप्लॉयमेंट होगा तब डिप्लॉयमेंट की जो सेल्स का वैल्यू आएगा उस पर
6% इंसेंटिव दिया जाएगा। 5 साल तक एक टेपरिंग व्यवस्था में आगे 6%, फिर धीरे धीरे कम होते होते 4%। ऐसा एक नया इनोवेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया है, जिससे देश की R&D की व्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था बदल सकती है।